नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। उन्नाव में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, साइकिल से दुर्घटना मृत्यु होने पर 5 लाख की मदद देंगे अखिलेश यादव। बाढ़ में मरने वालों को 5 लाख की मदद की जाएगी। उन्नाव के डीआईजी मैदान में हो रही है सभा। कैसे तमाम चीजें कर लेती है, क्या उस फोटो को झुठला पाएगी? आप लोग भी सहयोग करो तो उनका झूठ पकड़ा जाएगा, उनकी पोल खुल जाएगी। और पोल खोलने के लिए हम आपसे बात करने आए कि जो मेट्रो का उद्घाटन है, बधाई कानपुर के लोगों को। मुझे याद है कि जिस समय शिलान्यास हुआ था उस समय वहाँ के सांसद मुरली मनोज जोशी जी थे, देश के वाइस प्रेसिडेंट जो आज हैं उस समय उस विभाग के मंत्री थे, समाजवादी सरकार थी। और लग ये रहा है कि तीनों लोगों को नहीं बुलाया गया है, तीनों लोग जिन्होंने उस मेट्रो का शिलान्यास किया था, शुरुआत की थी कानपुर की जनता के लिए, वो तीनों ही मंच पे नहीं दिखाई देंगे। और जिनका कोई योगदान नहीं है वो मंच पे दिखाई देंगे। उनसे बड़ा कौन है जिन पे धाराएं कितनी लगी हैं? ठोको राज के नेता है वो, ठोको राज के वो हैं। उनसे ज्यादा मुकदमे किसी मुख्यमंत्री पर हुए हों तो बता दो हमें। ये अलग विषय है, लेकिन कानूनी क्या होगा देखा जाएगा। सर, शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ, सरकार आएगी तो क्या दोषियों को जेल भेजा जाएगा? सर, मैं ये तमाम एक घोटाला नहीं है, तमाम घोटाले सरकार के हैं, उनको जनता के बीच में ले जाने का काम होगा। सर, आपकी दो भविष्यवाणियां सच साबित हुई है। कृषि कानून को लेकर पहले ही आपने कह दिया था ये कानून वापस हो सकता है, उसके बाद आपने कहा था कि आईटी की रेट भी पड़ सकती है तमाम मेरे कंप्लेन को रोकने के लिए। तो अब क्या बीजेपी के पास अब कौन सा कदम बचा होगा, आपको क्या लगता है? उन्नाव की धरती जो हमारे क्रांतिकारियों की धरती रही है, कलम और तलवार की धरती रही है, वहाँ से एक अगली भविष्यवाणी भी करता हूँ। अगर जो बात आप कह रहे हो कि जो भी भविष्यवाणी की है वो ठीक निकली है, तो एक और भविष्यवाणी समझ लो, समाजवादी सरकार बनने जा रही है। पूरी तरीके से किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग तैयार हैं इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। ये वही जगह है जहाँ पर हसरत मोहानी जी ने जन्म लिया और इंकलाब का नारा दिया। उन्नाव में इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। उन्नाव से इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। आज ने जो इत्र बनाया था, आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से ये प्रचार किया गया कि वो समाजवादी पार्टी का। दोपहर आते आते हमारे पास जागरूक पत्रकारों को भी समझ में आ गया समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, तो वो भी पलट गए दोपहर के बाद तक। सुबह तो यही हेडलाइन चल रही थी, समाजवादी पार्टी का इत्र कारोबारी। लेकिन मुझे खुशी है दोपहर आते आते हमारे पत्रकार साथी भी समझ गए कि समाजवादियों से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि गलत जगह छापा मार दिया बीजेपी ने, अपने ही कारोबारी पे छापा मार दिया, उसकी सीढ़ियां निकलवाइए। अगर एक एक भाजपा के नेता का नाम ना निकले तो बताइएगा हमें। जो पीयूष जैन, जिनके वो घर में छापा पड़ा है, जिनके यहाँ अभी भी नोट निकल रहे हैं, अब तो नोट निकलना बंद हो गए हैं। बेसमेंट में नोट निकले, दीवालों में नोट निकले, लॉकर्स में नोट निकले, जिम्मेदार कौन है? वो छापा मारना चाहते थे इत्र वाले के यहाँ, उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई, पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए, तो पीयूष जैन के यहाँ छापा मार दिया। और सोचो क्या निकला, सोचिए उत्तर प्रदेश में इतना रुपया किसी का नहीं निकला होगा। जो सरकार में है वो बता सकते हैं रुपया कहां से आया है, जिनकी बैंकें हैं वो बता सकते हैं कि बैंकों से पैसा कम निकाला गया है। और अगर नई नई गड्डियां निकली हैं उसमें, तो जिस बैंक की गड्डी पर नाम लिखा होगा, जिस बैंक से निकला होगा, वो बैंक बता सकती है कि किस समय निकाला गया है। उसकी पर्ची पे भी लिखा होगा कि किस ब्रांच की है, किस तारीख की वो गड्डी है, और नंबरों से सरकार जान जाएगी आखिरकार कहां से निकला है पैसा। तो सोचो सरकार स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी कि जो व्यापारी कहते थे और जो आम लोग कहते थे कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती, नोटबंदी ने उनकी योजना फेल हुई है। जीएसटी जिस तरीके से लागू होनी चाहिए थी, जिस तरीके से जीएसटी का व्यापारियों को लाभ पहुंचना चाहिए था,
वो जीएसटी भी योजना उनकी फेल हुई है।